तो मैं यहाँ पे पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट के साथ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन भी आया है। तो आपके पेज पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू तो आएगा ही आएगा, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू आएगा। एंड सो गाइस, आज की वीडियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ चुका है तो गाइस इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो सॉल्यूशन बताने से पहले आपको ये जानना होगा गाइस कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं एंड ये क्यों आता है आपके पेज पे। गाइज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास तब आता है, आपके पेज पे तब आता है जब किसी और का कंटेंट यूज करते हो। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इससे साफ पता चल जाएगी कि यानी किसी और की प्रॉपर्टी जिसके राइट्स आपके पास नहीं है यूज करने के, चाहे वो उसकी वीडियोस हो सकती है, चाहे उसके फोटोज हो सकते हैं, चाहे उसका लोगो हो सकता है, चाहे वो उसका म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी। अगर आपके पास राइट्स नहीं है उसे यूज करने के एंड आपने यूज कर लिया है तो आपके पेज पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू तो आएगा ही आएगा, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी इशू आएगा। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया तो ये एक तरह का स्ट्राइक है गाइस। जैसे यूट्यूब पे स्ट्राइक होता है ना, वैसे ही फेसबुक पे भी ये एक स्ट्राइक माना जाता है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया है तो आपको ये सीधा अफेक्ट करेगा आपके मोनेटाइजेशन को, यानी पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एंड्स में क्या होता है, कुछ वीडियोज भी आपकी डिलीट हो जाती है जिसमें ज्यादा ही आपने प्रॉपर्टी वगैरह यूज किए, उन वीडियोज को जो है फेसबुक डिलीट कर देता है। तो अगर आपके साथ ये हुआ है तो साफ साफ आप समझ जाओ कि आपके पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन आया है। इसी के रिलेटेड मेरे पास एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था एक भाई ने, तो मैं यहाँ पे पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट के साथ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन भी आया है। एंड कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, आप ही का कंटेंट, लेकिन फिर भी आपके पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है वायलेशन आ जाता है। तो इसे भी कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो पहले बात करते हैं कि अगर आपने अनओरिजिनल कंटेंट यूज किया या किसी और का कंटेंट यूज किया है, आपके पेज पे वायलेशन आ गया है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है गाइस कि आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको 40 से 50 दिन 60 दिन कंटिन्यू आपको अपलोड करना पड़ेगा, या मिनिमम मानो तो आप एक महीना कंटिन्यू आप अपलोड करो। फेसबुक जो ऑटोमेटिक आपका जो मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड है वो हटा देता है और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो दोबारा चालू हो जाता है। अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आपको दोबारा रिव्यू में भेजने की जरूरत नहीं है पेज। अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है, उससे पहले ही आपके पास वायलेशन आ गया तो पहले उस वायलेशन को रिमूव करना है, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। एंड अगर ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करने के बाद भी आपका पॉलिसी वायलेशन नहीं हटता है तो एक महीने बाद या डेढ़ महीने वेट करने के बाद आप जो है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं फेसबुक से कि अब जो है मैं रियल कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहा हूं तो मेरे पेज से ये चीज़ रिमूव कर दी जाए। तो अपील करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जहाँ पे आपका पॉलिसी इशू आता है यानी मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाएंगे आप मेटा बिजनेस सूट में, वहाँ पे आपको दिख जाएगी अगर आपके पेज पे पॉलिसी इशू हुआ है तो वहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा, येलो मार्क आ जाएगा, उसके नीचे लिखा रहेगा सी डिटेल्स। जैसे सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चल जाएंगे जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो हो गया कि जब आपने किसी और की प्रॉपर्टी यूज़ की उसका ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन आपने किसी की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, आपका ओरिजिनल कंटेंट है तब भी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन आया है। तो इसे रिमूव करने के लिए गाइस आपको अपील करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी का भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया, किसी के वीडियोस को या कोई फोटो या फिर कोई पिक्चर वगैरह कुछ यूज नहीं किया फिर भी इशू आया, तो इसके लिए आप अपील फॉर्म भर सकते हैं। यानी फेसबुक का एक अपील फॉर्म आता है, गूगल पे जाके गाइस फेसबुक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील ऐसे कुछ लिख के सर्च करना, वहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीनशॉट उसका। जैसे ही जो पहला लिंक आएगा वो गाइस उसे ओपन कर लेना, एंड उसे ओपन करते यहाँ पे आपके पास ऐसा फॉर्म सामने आ जाएगा एंड इसे फिलअप करके सबमिट कर देना। अगर आप गूगल पे जाके ऐसे नहीं मिल पाता है आपको, तो जब भी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आएगा तो आपकी ईमेल पे उस पे एक फेसबुक की तरफ से ईमेल आ जाएगा एंड उस ईमेल में एक फॉर्म का लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को भर सकते हैं एंड सबमिट के लिए अपील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब चीज़ आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आए। तो ये तो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का जो मैंने बताया। एंड अगर आपके पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन नहीं है, सिर्फ अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ रहा है या फ्लैग बिहेवियर का इशू आ रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो उसमें यही होगा, यानी लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू आता है उसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ यही है गाइस कि जिस वीडियो से आपके पास ये वायलेशन है उस वीडियो को आपको डिलीट करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल कंटेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा कि आपके पेज से जो है लिमिटेड ऑरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू है वो हटेगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइन क्या होती है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन क्यों आता है एंड इसे कैसे रिमूव करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।